लगभग आपको 6 एयरबैग का इसमें लॉक कर दें, तो की से आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। एक एल कैप ओपन करने के लिए पहले चाबी लगाना पड़ता था, पर अब व्हील में फिट किया गया जो रेयर हवा कसने वाला, उसको आप यहाँ पर लगा कर। दोस्तों मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं द अमर टेक्निकल। फाइनली मुजफ्फरपुर राधा हरी मोटर में आपको महिंद्रा थार रॉक्स लॉन्च हो गया। बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके की से स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक चीज यही रहता है, ये नहीं है तो गाड़ी आपका स्टार्ट नहीं होगा, तो इसलिए की को देख लेते हैं। तो आपको रेगुलर से आपको की देखने को मिल जाता है, लॉक अनलॉक आपको मिल जाता है यहाँ, और ये मिल जाता है आपको बूट एक्सेस के लिए, दोनों की आपको यही देखने को मिल जाता है। और यहाँ देखेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह का फ्लिप की देखने को इसमें मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके सामने से, तो काफ़ी बड़ा सा एकदम, पहले जो 3 डोर था अब ये 5 डोर में ये आ गया है, लॉन्च हो गया है 5 डोर फाइनली। अगर इसमें हम बात करेंगे वेरिएंट की, तो बहुत सारा वेरिएंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सबसे पहले वेरिएंट की ही बात कर लेते हैं, तो इसमें वेरिएंट जो आपको देखने को मिल जाता है ये आ जाता है MX1, MX3, MX3L, MX5, AX5L और AX7L। इतना सारा वेरिएंट आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम इसके प्राइस की बात कर लेंगे, स्टार्टिंग प्राइस आपको 12,99,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है पेट्रोल में। वहीं अगर हम बात करेंगे इसमें डीजल में, तो आपको 13,99,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है इसका डीजल में प्राइस स्टार्ट। काफ़ी बेहतर सा आपको प्राइस यहाँ पर आपको रखा गया है महिंद्रा थार रॉक्स का। सबसे बड़ा कंपटीटर तो इसका खुद के, मतलब महिंद्रा में जो आपको स्कॉर्पियो एन है, सबसे बड़ा कंपटीशन तो उसके साथ ही अब होने वाला है। अब लोग कंफ्यूजन रहेंगे कि महिंद्रा थार रॉक्स ले या स्कॉर्पियो एन ले। स्कॉर्पियो एन इससे लंबी है, आपको 7 सीटर, बट ये 5 सीटर, इतना ही है। उससे ज़्यादा फीचर आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाता है, तो बहुत सारा फीचर, बहुत सारा इसमें आपको वेरिएंट ये सब देखने को मिल जाता है। तो और क्या क्या है बात कर लेते हैं इसके हम डाइमेंशंस की, तो अच्छा खासा इसमें डाइमेंशंस भी आपको देखने को मिल जाता है। अगर डाइमेंशंस की बात करेंगे इसके हम, तो लंबाई 4228 mm का इसका लंबाई आपको देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम विड्थ की बात करेंगे चौड़ाई की, तो 1870 mm का इसका चौड़ाई मिल जाता है। और हाइट तो खैर बेहतर लाजवाब से आपको हाइट देखने को मिलता है, जो कि आ जाता है 1923 mm का। मतलब लंबाई चौड़ाई हाइट ये सब इतना बेहतर सा आपको इसमें मिल जाता है। वहीं हम इसके कलर की बात करें, तो 7 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप जिस कलर में जाना चाहते हैं जा सकते हैं। सामने तो वैसे व्हाइट लगी हुई है डुअल टोन में, ऊपर में आपको ब्लैक देखने को मिल जाता है इसका रूफ, इसमें ब्लैक, उसके बाद ब्लैक आ जाता है, फुल्ली रेड आ जाता है। इस तरह का बहुत सारा कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करेंगे इसमें अलॉय व्हील की, तो अलॉय व्हील भी आपको काफ़ी बेहतर सा अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है। अगर टॉप मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको अलॉय व्हील जो है 19 इंच में देखने को मिलेगा। मतलब आप देख रहे हैं कितना बड़ा मॉन्स्टर एकदम ट्रक जो होता है ना, उस तरह का इसका अलॉय व्हील आपको देखने को मिल जाएगा। डायमंड कट अलॉय व्हील आपको यहाँ पर इसमें दिया गया है। मतलब आप जिस वेरिएंट में जाना चाहे, जैसे आप फिट बैठते हैं उस हिसाब से इस गाड़ी को आप ले सकते हैं। अगर हम बात करेंगे इसमें, तो स्टील रिम भी आ जाता है 18 इंच में आपको स्टील रिम। कुछ वेरियंट ऐसे हैं जिसमें आपको स्टील रिम देखने को मिलेगा, जैसे MX1, MX3, AX3L, इसमें आपको स्टील रिम 18 इंच में देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करेंगे इसमें 18 इंच अगर अलॉय व्हील में जाना चाहते हैं, वो भी ऑप्शन आपको इसमें दिया गया है। वो AX5L के साथ आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा ये अलॉय व्हील, डायमंड कट अलॉय व्हील आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरह का कुछ वेरिएंट है जिसके साथ आप जाना चाहते हैं, स्टील रिम में जाना चाहते हैं या अलॉय व्हील में जाना चाहते हैं, 18 इंच में जाना चाहते हैं, 19 इंच में जाना चाहते हैं, मतलब जिस तरह से आप फिट बैठते हैं उस हिसाब से इस गाड़ी को आप बुक करवा सकते हैं यहाँ राधा हरी मोटर्स मुजफ्फरपुर में। आपको यहाँ पर राधा हरी हुंडई भी है, इसलिए राधा हरी मोटर में आप आएंगे यहाँ पर महिंद्रा का शोरूम, यहाँ पर आप बुक इसका करवा। अगर हम बात करेंगे यहाँ, तो आपको अब आफ्टर मार्केट कुछ नहीं करवाना होगा। पहले होता क्या था कि महिंद्रा थार लेने के बाद आपको आफ्टर मार्केट एसेसरी जाके लगवाना पड़ता था। कारण क्या है कि उसमें आपको हेलोजन में मिलता था, LED नहीं आता था, हेडलैम्प जो उसका होता था हेलोजन में, बट यहाँ आपको वो सारा चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है महिंद्रा की तरफ से। इसमें आपको मिलेगा LED में, सी शेप में यहाँ DRL आपको देखने को मिल जाता है। चलिए नज़दीक से आपको दिखाते हैं, तो काफ़ी बेहतर से यहाँ पर आपको सी शेप में DRL देखने को मिल जाता है, प्रोजेक्टेड हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। यहाँ बात करेंगे तो आपको देखने को मिल जाता है टर्न इंडिकेटर, ये सब आप जो देख रहे हैं हाउसिंग इसका, ये काफ़ी बेहतर से व्हाइट पर मैट ब्लैक जो दिया गया, काफ़ी बेहतर से आपको लगता है, एकदम लगेगा ऐसा कि जैसे कि ऑफ रोड करने के लिए ही बनाया गया है। वैसे अब इसको अर्बन और रूरल दोनों जगह देखने को आपको यह मिल जाएगा। पहले क्या था ना कि आपको ज़्यादातर रूरल में ही थार देखने को मिलता था या पहाड़ों पर चलाने के लिए, तो यहाँ अगर नीचे की साइड में देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाता है एक ये फॉग लैंप भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है LED में। फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि एक यहाँ पर दिया गया है और एक यहाँ पर, दो आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 360 कैमरा भी आ जाता है।
अब अगर लेते हैं ये टॉप मॉडल यहाँ लगी हुई है तो यहाँ 360 कैमरा का प्लेसमेंट किया गया है, ये देख सकते हैं छोटकू सा एक 360 कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। महिंद्रा का यहाँ पर आपको ब्रांडिंग किया गया है, काफ़ी बेहतर सा ब्रांडिंग में भी कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, हर एक जगह आपको देखने को ये मिल जाएगा। अगर हम इसके अप्रोच एंगल की बात कर लेंगे तो काफ़ी बेहतर सा आपको अप्रोच एंगल निकल करके आ जाता है जो कि 41.7 डिग्री अप्रोच एंगल है। मतलब अगर आप ऑफ रोड में जाते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगा, इतना सारा ऑफ रोडिंग के लिए आपको अप्रोच एंगल इसका देखने को मिल जाता है। यहाँ देखेंगे तो आपको टोइंग के लिए दिख जाता है एक क्लैंप, वहीं इसका सस्पेंशन का सारा सेटअप आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का किया गया। अब चलते हैं इसके हम साइड प्रोफाइल में और बात कर लेते हैं कि हमको साइड में क्या सब यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मतलब थोड़ा सा दूर जाकर के शूट करना पड़ता है, इतना बड़ा गाड़ी फ्रेम में नहीं आ रहा है। वहीं हम यहाँ व्हील आर्च की बात करेंगे तो काफ़ी बेहतर से आपको निकल करके आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं मैट ब्लैक में, ये सब आपको फाइबर में यहाँ देखने को मिलेगा। ये आपको यहाँ पर सब बॉडी है लोहा है, बाकी यहाँ पर फाइबर देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ तो टर्न इंडिकेटर आपको व्हील आर्च के ऊपर में ही यहाँ पर दिया गया, जो रगेड ब्लैक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मॉन्स्टर सा आपको यहाँ पर टायर देखने को मिल जाता है जो कि साइज आ जाता है टायर का 255/60R19 यहाँ पर आपको दिया गया है टायर प्रोफाइल। वहीं अगर हम बात करेंगे डायमंड कट अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है जो कि आ जाता है आपको 19 इंच में, तो काफ़ी बेहतर सा। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में इसमें कहना ही नहीं है, अप्रोच एंगल हो डिपार्चर एंगल हो या ग्राउंड क्लियरेंस हो, ये सब थार के बारे में कहना ही थोड़ा सा बेकार लगता है क्योंकि कहीं भी आप इसको लेकर के जा सकते हैं। बात करेंगे तो यहाँ पर फ्रंट फेंडर के ऊपर में आपको एंटीनैक दिया गया है यूनिक सा, आपको वही थ्री डोर थार में जैसे एंटीना आता था वही यहाँ पर आपको रखा गया जो कि आपको एकदम लगे कि ऐसा हाँ थ्री डोर और फाइव डोर में ज़्यादा अंतर आपको नज़र नहीं आया कुछ जगहों से। अगर हम बात कर लेंगे यहाँ तो अब आपको यहाँ जो ORVM देख रहे हैं ORVM के नीचे में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक कैमरा जो कि 360 कैमरा आपको यहाँ पर दिया गया है। बात करेंगे तो थार का यहाँ पर आपको ब्रांडिंग किया गया, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ये हो गया, पहले हाथ से ही आपको सब कुछ करना पड़ता था। बात कर लेंगे यहाँ तो आपको फुट पैडल में देखने को इसमें मिल जाता है टॉप मॉडल में। वहीं अगर हम डोर हैंडल्स की बात करेंगे तो ये आपको मैट ब्लैक में यहाँ पर आपको दिया गया है जो कि कुछ इस प्रकार का है। वहीं अगर हम बात करेंगे अब ये एक बड़ा सा, मतलब पहले क्या था परेशानी ज़्यादा होता था आप यहाँ से अंदर जाते थे, बात करेंगे तो यहाँ से आपको अंदर जाना पड़ता था, बट अब ऐसा आपको इसमें नहीं है। उसके लिए एक और डोर यहाँ पर आपको दे दिया गया है, बड़ा सा ग्लास एरिया मिल जाता है इसमें, दो पार्ट में आपको ग्लास एरिया दिया गया, छोटा सा यहाँ पर दिया गया, साथ ही साथ आपको एक यहाँ पर दे, ये डाउन होता है बट ये आपको डाउन यहाँ नहीं होगा। अगर हम बात करेंगे तो इसका डोर ओपनर है कुछ इस प्रकार का यहाँ पर दिया गया है, बड़ा सा है ये जो देख रहे हैं डोर ओपनर कुछ इस प्रकार का काफ़ी बड़ा सा इसमें आपको दिया गया है। फ्यूल कैपेसिटी की बात कर लेंगे तो लगभग 57 लीटर का इसमें आपको फ्यूल कैपेसिटी मिल जाता है, इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों में आ जाता है ये ऑप्शन। अगर हम बात करेंगे इसके ब्रेकिंग की तो काफ़ी बेहतर से आपको ब्रेकिंग भी कर दिया गया, फ्रंट में डिस्प्ले और साथ ही साथ रेयर में भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को यहां मिल जाता है, यानी ऑल फोर डिस्क ब्रेक का प्लेसमेंट आपको अब देखने को मिल जाएगा महिंद्रा थार रॉक्स में। यहां देखेंगे तो आपको पहाड़ पे गाड़ी चल रही है उसका एक पिक्चर बनाया गया है, यहां पर ऊंट है यानी रेगिस्तान में भी आप गाड़ी चला सकते हैं, साथ ही साथ पहाड़ पर भी गाड़ी को चढ़ा सकते हैं। आ जाते हैं रेयर में और बात कर लेते हैं कि हमको रेयर में क्या सब देखने को मिल जाता है, तो वही बात करेंगे ऊपर में तो हाई माउंटेड स्टॉप लैंप देखने को मिल जाता है, बड़ा सा यहां पर देख सकते हैं। अगर डोर की बात करेंगे तो पहले की तरह डोर इसका खुलता है, डोर में आपको कहीं कोई ये नहीं है कि सिंगल, मतलब पूरा ये मतलब आधा पहले आप इसको ऐसे खोलिए उसके बाद फिर आपको ऐसे यहाँ से ये खोलना पहले ही पड़ता, तो आज भी आपको इसी तरह खोलना होगा, बट इसमें एक ये बढ़िया चीज़ दे दिया गया, इससे क्या होगा कि आपका कभी भी ये टूटेगा नहीं। जैसे होता क्या था ना कि पहले अगर किसी को जानकारी नहीं है अगर इस डोर को यहाँ बंद कर दिया और इसको जैसे ही बंद करते थे तो यहाँ डायरेक्ट शीशा पर लगता था, बट ये अब क्या है कि यहाँ पर इसमें ये बॉक्स एक दे दिया गया जिसके कारण से अब आपका शीशा डैमेज नहीं होगा। यहाँ देखेंगे तो आपको हाइड्रोलिक मिल जाता है। अगर हम बूट की बात करेंगे तो लगभग 644 लीटर के आसपास इसका बूट इसमें देखने को मिल जाता है, पहले बूट था ही नहीं, एक छोटा सा बैग भी लेके जाना काफ़ी परेशानी आपको होता था महिंद्रा थार में। अगर यहाँ देखेंगे तो आपको मिल जाता है, ये देख सकते हैं एक डिफॉगर मिल जाता है ये, और यहाँ देखेंगे आपको वाइपर का प्लेसमेंट आपको यहीं पर इसमें किया गया है, तो ये यहाँ कुछ इस प्रकार का प्लेसमेंट इस प्रकार या देख सकते हैं किया गया है। अब आ जाते हैं इसके अंदर में, अंदर में भी बहुत सारा चीज़ अभी आपको डिक्की में देखने को मिल जाता है। यहाँ देखेंगे तो इसका टूल किट तो देखने को मिलता ही है। अगर हम बात करेंगे यहाँ तो आपको मिल जाता है 12 वोल्ट 120 वाट चार्जिंग का सपोर्ट, ये अगर आपका टायर वगैरह पंचर हो जाता है तो वो जो आता है हवा कसने वाला उसको आप यहाँ पर लगा करके यूज कर सकते हैं, आपको पीछे में परेशानी नहीं होने वाला है। यहाँ देखेंगे तो आपको मिल जाता है एक छोटा सा
हुक, ये आपको हुक एक दिया गया है। अगर बात करेंगे यहाँ तो हरमन कार्डर का आपको बूफर मिल जाता है रियर में, टोटल इसमें आपको मिल जाता है 9 स्पीकर सिस्टम जिसमें ट्यूटर भी है, टोटल लेकर के आपको 9 होता है। तो यहाँ हरमन कार्डर का आपको ब्रांडिंग के साथ में ये देख सकते हैं, इसमें देखने को यहाँ पर बूफर मिल जाता है। इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर छोटा सा एक मिल जाता है आपको गैप, जो कि यहाँ पर कुछ और काम के लिए दिया होगा, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ का फ्यूल कैप हो सकता है ओपन करने के लिए यहाँ पर एक गैप दिया हो। यहाँ देखेंगे तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाता है एक क्लैंप जो कि कुछ इस प्रकार का दिया गया है। नीचे की साइड में यहाँ आपको क्या सब मिल जाता है, तो यहाँ पर सामान वगैरह वही जो ये टूल है इसको आप यहाँ फंसाने के लिए इसमें दिया गया है कुछ इस प्रकार का। तो ये रहा अंदर से, अब बात कर लेते हैं हमको टेल लैंप कैसा देखने को मिल जाता है। तो सब आपको अब एलईडी में ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ देख सकते हैं सी शेप में आपको टेल लैंप देखने को मिल जाता है। यहाँ देखेंगे टर्न इंडिकेटर इसमें दिया गया है, बाकी आपको दो लाइट और मिल जाता है, दोनों दो आ जाता है हेलोजन में। वैसे देखेंगे तो यहाँ पर पूरा ई हो जाता है, ए बी सी डी का जो ई देखते हैं उस प्रकार का अभी आपको ये दिखने में लग रहा होगा। अगर हम बात करेंगे तो इसमें 360 कैमरा यहाँ एलॉय व्हील में फिट किया गया, जो रेयर स्पेयर आपको टायर व्हील आ जाता है उसमें एलॉय व्हील है, यहाँ पर आपको इसका फिट किया गया, यहाँ से ये निकल जाता है, यहाँ स्क्रू खोलेंगे तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलॉय व्हील में ही, तो काफ़ी बेहतर मतलब प्लेसमेंट इतना बढ़िया किया गया। अगर चाहते हैं पीछे का डोर हम लॉक कर दें तो की से आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं, एक रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। अगर बात करेंगे रेयर में तो रेयर में भी आपको दो रेयर पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ देखेंगे तो आपको सस्पेंशन का सेटअप, साथ साथ यहाँ पर आप एक देख सकते हैं गाड़ी को टो करने के लिए भी दिया गया है, एग्जॉस्ट पाइप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम इसके बात कर लेंगे डिपार्चर एंगल की तो वो भी काफ़ी बेहतर से आ जाता है निकल के, जो कि 36.1 का आपको डिपार्चर एंगल आपको यहाँ पर देखने को इसमें मिल जाता है। आ जाते हैं हम ड्राइवर साइड, ड्राइवर साइड देखेंगे तो और क्या क्या हमको मिलता है। सबसे पहले तो 4x4 रेयर से बात करेंगे, यहाँ पे रेयर जो इसका फेंडर है 4x4 का आपको बैजिंग किया गया है, एक्स जो देख रहे हैं ये, यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिल जाता है रेड इंसर्ट। अगर देखेंगे यहाँ तो आपको थार रॉक्स का ब्रांडिंग यहाँ पर भी आपको देखने को इसमें मिल जाता है, जो कि क्रोम में आ जाता है। यहाँ देखेंगे तो आपको मिल जाता है काफ़ी बेहतर सा 360 कैमरा थार का ब्रांडिंग, जो कि ORVM के ऊपर में ही दिया गया है, दो वाइपर और दो यहाँ पर वॉशर का प्लेसमेंट कुछ इस प्रकार का किया गया है। अगर हम बात करेंगे इसमें अडास लेवल 2 आपको देखने को मिल जाता है। अगर अडास की बात करेंगे तो ऊपर में जो देख रहे हैं कैमरा सेंसिंग के लिए आपको वहां पर दिया गया है, टोटल इसमें 10 आपको मिल जाता है, यानी 10 मिल जाता है आपको टोटल अडास लेवल 2 का फीचर। अब आ जाते हैं सीधा इसके डोर पे और डोर पे देख लेते हैं हमको क्या क्या देखने को यहां मिल जाता है। तो ये टॉप मॉडल यहां लगी हुई है तो इसमें आप सब देख सकते हैं। ये आ जाता है सॉफ्ट टच व्हाइट स्टिचिंग के साथ में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ देखें तो ऑल फोर पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाता है, साथ ही साथ एक अप एंड डाउन आपको सिंगल टच में देखने को यहाँ मिल जाता है, लॉक ऑन लॉक के लिए बटन देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ देखेंगे तो चाइल्ड लॉक सेफ्टी फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ORVM आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल दोनों आपको देखने को मिल जाता है। ट्यूटर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। डोर ओपनर यहाँ अगर बात करेंगे तो यहाँ क्रोम में देखने को मिल जाता है। हरमन कार्डर का आपको ब्रांडिंग ट्यूटर पे भी किया गया है, साथ ही साथ अगर हम स्पीकर की बात करेंगे यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाता है हरमन कार्डर का ब्रांडिंग। बॉटल होल्डर ही यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी छोटा सा दिया गया है, 1 लीटर बॉटल होल्डर इसमें नहीं आएगा, मतलब आधा लीटर का जो भी बोतल आता है इसमें आप डाल सकते हैं। सीधा चलते हैं अंदर में और बात कर लेते हैं इसके हम अपॉल्स्ट्री की, काफ़ी बेहतर से आपको अपॉल्स्ट्री देखने को मिल जाता है। ये आ जाता है आपको लेदर में, यहाँ पर स्टैंडर्ड आपको 6 एयरबैग देखने को मिल जाएगा, दो फ्रंट में, दो कर्टन और दो मिल जाता है आपको यहाँ पर देखने को, ये जो देख रहे हैं सीट में, तो इस प्रकार का लगभग आपको 6 एयरबैग का इसमें प्लेसमेंट किया गया। अंदर में अगर थीम की बात करें तो लगभग ये ड्यूअल टोन में देखने को यहाँ पर मिल जाता है, व्हाइट के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन, साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखेंगे एसी वेंट के ऊपर में तो कार्बन फाइबर का टच दिया गया है। गाड़ी काफ़ी ऊंची है, आपको बैठने में ज़्यादा परेशानी होगा, इसके लिए यहाँ पर आपको हैंडल्स दिया गया है, यानी कि इस तरह का टोटल 4 हैंडल देखने को मिल जाता है ए पिलर पर और उसके बाद बी पिलर पर, चूँकि आप अगर सेकेंड रो में भी जाते हैं तो सेकेंड रो में भी आपको काफ़ी हाइट है तो यहाँ आपको हैंडल दिया गया इस पर चढ़ने के लिए। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो बहुत सारा फीचर यहाँ पर भी आपको दिया गया है जो कि एक्सेस यहीं से कर सकते हैं। बात करेंगे सबसे पहले इसके तो यहां देख सकते हैं ये दिया गया आपको लाइट लेवलिंग, यहां देखेंगे तो आपको इसमें जैसे ट्रैक्टर का दो आप जो चक्का को एंगेज कर देते हैं और दो पर ही आपको टर्न कर लेते हैं वही चीज यहां पर भी आपको दिया गया है, पहली बार किसी गाड़ी में यहां पर देखने को मिल जाता है इस प्राइस पॉइंट के ऊपर में, नहीं तो ट्रैक्टर आपको लेना होगा, ये बटन उसी का आ जाता है। यहां देखेंगे तो आपको मिल जाता है हिल, अगर होल्ड चाहिए उसके लिए हिल डिसेंड के लिए बटन आ जाता है, पार्किंग के लिए मिल जाता है। यहां आपको ये जो इसका मीटर का जो लाइट होता है उसको कम ज्यादा करने के लिए आपको यहां पर ये दिया गया है। यहाँ देखेंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, आइडियल आपको स्टार्ट स्टॉप यहाँ पर देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ अगर देखेंगे तो फ्यूल कैप ओपन करने के लिए पहले चाबी लगाना पड़ता था, बट अब आपको इसमें चाबी लगाना नहीं होगा, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन क्रोम टच के साथ में।